सो गाइस, फाइनली मेरे फ़ोन में ट्यूबर्टी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। यह पीसी लैपटॉप कंप्यूटर की तरह क्विकली वर्क भी कर रहा है और कीवर्ड रिसर्च कर सर्च वॉल्यूम एंड रिलेटेड कीवर्ड भी रैंकिंग कीवर्ड भी बता रहा है। तो यह आप भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर कीवर्ड को रिसर्च करना चाहते हैं और वीडियो को रैंक कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय देखते रहिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली अपने फ़ोन स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आप सभी को एक ब्राउज़र डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। सर्च करना है YANDEX ब्राउज़र, उसके बाद इसको वेब वाले ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है ट्यूबर्डी एक्सटेंशन। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, थोड़ा देखिए क्रोम वेब स्टोर। उसके बाद आपको दोस्तों साइड में एक बटन दिख रहा होगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, यानी कि मैं ऐड कर लिया हूँ अपने क्रोम में। आप लोगों को केवल यही वेबसाइट पर काम करेगा ट्यूबर्डी एक्सटेंशन, क्रोम ब्राउज़र पर नहीं काम करेगा। ये देखिए रिमूव फ्रॉम क्रोम, यानी आप लोगों सबसे पहले ओपन कीजिएगा तो आपको ऐड टू क्रोम दिखाएगा। उसके बाद ये लगभग 17 MB का है लगभग। आप लोग को यहाँ पर ऐड टू क्रोम कीजिएगा, डाउनलोड होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली आपको अपने फ़ोन में फिर से जाना है अपने सर्च बॉक्स में और सर्च करना है यूट्यूब सर्च कीजिएगा। तो आप लोग को फर्स्ट में देखिए MYouTube.com इसको ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओपन कीजिएगा MYouTube। तो उसके बाद देखिए साइड में ये लोगो दिख रहा है, आप लोगों को सबसे पहले साइनिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आप लोग को साइनिंग पर क्लिक करके अपना चैनल साइनिंग कर लीजिएगा इसमें। उसके बाद आप लोग को यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ डेस्कटॉप वर्जन पर सेलेक्ट करना है। और ये थोड़ा वेट कर लेते हैं, लोडिंग हो रहा है डेस्कटॉप वर्जन। फाइनली डेस्कटॉप वर्जन में ओपन होने के बाद सबसे पहले आप लोग को एक ध्यान रखना है, ऊपर ऐसे जूम और जूम इन करके देख लेना है कि ट्यूबर्डी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हुआ कि नहीं। देखिए ट्यूबर्डी इंस्टॉल हो जाएगा तो आप लोग यूट्यूब ओपन कीजिएगा तो ऊपर में ट्यूबर्डी का लोगो दिखेगा। उसके बाद अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग को एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ का ऑप्शन रहेगा, अगर ऑफ रहेगा तो उसको ऑन कर दीजिएगा, यानी कि ट्यूबर्डी एक्सटेंशन को ऑन कीजिएगा तो सिंपल अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए ये देखिए ऊपर में ट्यूबर्डी लोगो दिख रहा है। उसके बाद आप लोग को साइड में एक अपना लोगो चैनल का दिख रहा है, लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को योर चैनल पर क्लिक करना है, जो थोड़ा लोडिंग ले रहा है, योर चैनल खुल रहा है, देखिए योर चैनल। उसके बाद आप लोग इस प्रकार का इंटरफेस आएगा चैनल का। तो उसके बाद आप लोग को कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा वेटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। सो फाइनली कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद ओपन हो चुका है। उसके बाद आप लोग को यहाँ अपने वीडियो कंटेंट पर क्लिक करना है, कंटेंट पर। उसके बाद ये थोड़ा वेटिंग लेगा, उसके बाद खुलेगा वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट ओपन होने के बाद आपको किसी भी वीडियो पर अपना क्लिक कर लेना है, जैसे मैं देखिए क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ वीडियो पर क्लिक करने के बाद पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद एडिट यानी कि वीडियो एडिटिंग वाले ऑप्शन हुआ, ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे, तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। देखिए ओपन हो चुका है। उसके बाद नीचे जाइएगा तो शो मोर वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। शो मोर पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा वेटिंग लेगा, देखिए शो मोर हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए लोडिंग हो रहा है और ये टैग भी रिकमेंड करेगा मेरे वीडियो से रिलेटेड टैग। सो देखिए पूरा टैग एकदम ओपन हो चुका है। अब उसके बाद आप सभी को देखिए नीचे में 3 टैग रिकमेंड किया। देखिए आपको टैग ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, उसके प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये ऐड हो चुका है। देखिए ऐड हो चुका है अपने, ऐड होने के बाद देखिए आप लोग को यहाँ पर कॉपी मतलब हुआ कि अपने पूरा जितना टैग लगा है अपने वीडियो में सारा कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए शॉर्ट वाले ऑप्शन है, ये थोड़ा ओपन होगा आप लोग ये प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए शॉर्ट वाले ऑप्शन है, शॉर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो शॉर्ट वाले खाली आ जाएगा। उसके बाद इम्पोर्ट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए योर हैवेल टैग लिस्ट, यहाँ कि अपने टैग लिस्ट का नाम दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब हुआ कि देखिए ट्रायंगल
ये ट्रायंगल मतलब हुआ लैंग्वेज। देखिए हिंदी जैसे मैं लैंग्वेज सेलेक्ट किया हूँ 100% हो चुका है, इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। उसके बाद कट करने के बाद आपको देखिए लास्ट में दिख रहा होगा एक्सप्लोर, इस पर एक्सप्लोर पर क्लिक कीजिएगा, टैग एक्सप्लोर होता है। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आएगा, देखिए एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप लोगों को सर्च बॉक्स में ऐसे कोई भी कीवर्ड सर्च करना है, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ हाउ टू काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग, ये सर्च किया, कोई भी टाइटल या टैग यहाँ पर सर्च करके आप उसका डिटेल जान सकते हैं, कितना कंपटीशन है, कितना वो सब जान सकते हैं। थोड़ा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो देखिए फाइनली यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुड बताया, यानी कि इस पर थोड़ा कम कंपटीशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके अलावा 3 टैग और बतलाता है आप इससे रिलेटेड, और देखिए 30 डे में इसका थोड़ा रैंकिंग बढ़ रहा है इस टाइटल का, हाउ टू काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग। आप इसी प्रकार से कोई भी टैग ऐड करके आप यहां से चेक कर सकते हैं कितना रैंकिंग है, कितना उस पर जिस पर थोड़ा कम कंपटीशन रहेगा उसको आप इसमें ऐड करके आप उस पर वीडियो बनाएगा तो आपका 100% चांस बन जाता है वीडियो वायरल का। तो आप लोग उसके अलावा इस टैग को भी ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसका भी सर्चिंग अपने आप होने लगा और यहाँ पर बता देगा एक्सप्लोर करके। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पर आप लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊँगा। नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम है बेहिचक मेरे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए बाय।